नमस्ते। आपकी कुंडली में गोचर का चंद्र जब भी शुक्र के ऊपर से, यानी कि जो जन्मतः आपके कुंडली में शुक्र विराजमान है, उसके ऊपर से जब भी भ्रमण करता है, तब आनंद प्रमोद की चीजें आपके जीवन में घटती है। यह कम या ज़्यादा लेवल में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका शुक्र काफ़ी अच्छे पोजीशन में आपकी कुंडली में है, तो हो सकता है कि आप नई कार खरीदी करें, या तो आप कोई एकदम मटेरियल लाइफ बहुत ज़्यादा तरीके से लग्जूरियस एंजॉय करेंगे। आपके लग्जूरी ट्रैवल हो सकते हैं, यानी कि मौज मस्ती से भरे आपके सुहाने सफ़र हो सकते हैं, आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, या तो आपके जीवन में कोई प्यार करने वाला शामिल हो सकता है, या तो ऑलरेडी अगर आपके जीवन में कोई प्यार करने वाला है, तो उसके साथ आपका बहुत अच्छा बंधन यानी कि बॉन्ड बन जाता है। यह कब होता है? जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे पावर में मौजूद है, और जब भी चंद्र उस पर से भ्रमण करता है, तब मैंने ये घटित होता हुआ देखा है। सेकेंड, अगर शुक्र अच्छा नहीं भी है, इन द सेंस कि आपके कुंडली अनुसार अगर वो कमज़ोर हो रहा है, तब भी जब भी चंद्र ये शुक्र के ऊपर से भ्रमण करेगा, गोचर का चंद्र आपके नेटल वीनस के ऊपर से जब भी भ्रमण करेगा, तब भी कुछ ना कुछ, जैसे मूवी जाना, या तो शॉपिंग चले जाना, परफ्यूम्स की शॉपिंग करना, या तो फिर अपने दोस्तों से मिलना, थोड़ा पार्टी करना, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन तौर पर देखी गई है। अदर देन दैट, जब भी आप जाते हो तब भी आप एन्जॉय करते हो, परंतु जब शुक्र के ऊपर से चंद्र का भ्रमण होता है, उस समय का जो एक अनुभव है, या तो एक फीलिंग है, वह बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उसका उपभोग ले सकते हो, आप उसको एन्जॉय कर सकते हो। तो आप अपनी कुंडली में मुझे देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं। धन्यवाद।